दोबारा एक्शन में दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ। देर रात तक कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक, 5 मंत्रालयों ने दिया प्रेजेंटेशन। सीएम ने योजनाओं को जल्दी पूरा करने के दिए निर्देश, देरी होने पर लागत बढ़ने का दिया हवाला। आए हैं उसको कहीं देर में क्रियान्वित करते हैं तो उसका कॉस्ट बढ़ता है, उसकी लागत बढ़ती है, इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। सीएम ने दिया अखिलेश सरकार के सभी योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाने के आदेश, मुख्यमंत्री योजना होगा नया नाम। उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके तहत जहां समाजवादी नाम लगा है वो हटेगा और उसके आगे मुख्यमंत्री योजना कहते हुए चलेगा। योगी सरकार ने बैठक में लिया एक और अहम फैसला, जेवर में एयरपोर्ट बनाने को दी मंजूरी। बिजली सप्लाई भी होगी, योगी सरकार ने उठाया कदम, जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे होगी बिजली सप्लाई, गांव में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मिलेगी बिजली। 100 दिनों में 5 लाख नए कनेक्शन देने के सीएम ने दिए आदेश, बिजली चोरी रोकने के लिए अधिकारियों से प्रोजेक्ट तैयार करने को। 2018 तक यूपी के हर घर में बिजली पहुंचाने का लिया गया संकल्प, 14 अप्रैल को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और श्रीकांत शर्मा के बीच होगी बैठक। छात्रों को भी योगी सरकार ने दिया तोहफा, परीक्षा के समय दिन और रात दोनों वक्त दी जाएगी बिजली। सीएम योगी ने गुजरात मॉडल को अपनाने की कही बात, ऑनलाइन अप्रूवल देने के लिए बनाई जाएगी योजना। आज सीएम योगी लेंगे कृषि से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों की क्लास, सीएम के सामने प्रेजेंटेशन देंगे अधिकारी। 11 अप्रैल को होगी योगी कैबिनेट की दूसरी बैठक, संकल्प पत्र को लेकर लिए जा सकते हैं अहम फैसले। अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर योगी सरकार ने लगाई मोहर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दी हरी झंडी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, प्रदेश में जल्द लागू होगी नई औद्योगिक निवेश नीति, सिंगल विंडो से होगा समस्याओं का निपटारा। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद मंडराया बाढ़ का खतरा, साउथ और सेंट्रल कश्मीर में झेलम के किनारे रहने वालों के लिए एडवाइजरी जारी है। घाटी में 3 दिनों से लगातार जारी है बारिश, झेलम में 18 फीट पर पहुंचा पानी का स्तर। घाटी में खराब मौसम के चलते 3 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, प्रशासन ने जारी किया आदेश। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा जम्मू श्रीनगर हाईवे, हजारों यात्री बीच रास्ते में फंसे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मौसम का कोहराम, हाईवे पर तूफान की वजह से कार पर गिरा पेड़। जम्मू के पुंछ में भारी बारिश के बाद खतरे के निशान पर पहुंचा नदी का जलस्तर, नदी किनारे के गांव पर मंडराया खतरा। पुंछ में बाढ़ के खतरे वाले गांव में सेना और पुलिस ने मिलकर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में किया एमआई हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, बाढ़ वाले इलाके से लोगों को किया एयरलिफ्ट। पानी की लहरों से तेजी से हो रहा है मिट्टी का कटाव, किसी भी वक्त लहरों की चपेट में आ सकते हैं किनारे से सटे गांव। पानी में फंसे गांव के लोगों के लिए देवदूत बने सेना के जवान, स्थानीय लोगों ने जताया शुक्रिया। आईपीएल में पुणे सुपर जायंट्स ने किया जीत के साथ आगाज, रोमांचक मुकाबले में मुंबई को 7 विकेट से दी मात। पुणे को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रनों की दरकार, चौथी और पांचवी गेंद पर कप्तान स्टीव स्मिथ ने छक्का मारकर दिलाई जीत। कप्तान स्टीव स्मिथ ने 54 गेंद पर बनाई तूफानी 84 रन, मैन ऑफ द मैच बने। मैच में धोनी का रंग दिखा फीका, 12 गेंदों पर नाबाद 12 रन बनाए, अजिंक्य रहाणे ने खेली 34 गेंदों में 7 रनों की तूफानी पारी। मुंबई ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 184 रन बनाए थे, पुणे ने एक गेंद रहते जीता मैच। मुंबई की ओर से बटलर ने बनाए सबसे ज्यादा 38 रन, पुणे के लिए इमरान ताहिर ने चटकाए 3 विकेट। इमरान ताहिर के साथ बाकी गेंदबाजों ने भी दिखाया शानदार प्रदर्शन, रजत भाटिया ने सिर्फ 14 रन देकर झटके 2 विकेट, तो स्टोक्स और जंपा को एक एक विकेट मिला। मुंबई की तरफ से हार्दिक पांड्या ने नाबाद 35 और नीतीश राणा ने खेली 34 रन की पारी।
आज राजकोट में गुजरात लायंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला, रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर ने चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप को लेकर दिया बयान, चकाचौंध में से रखे दूर ताकि और बेहतर हो प्रदर्शन। आज दिल्ली में काला दिवस मनाएगी कांग्रेस, हर वार्ड में पार्टी कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली के लाडूसराय में वार्ड नंबर 67 से बीजेपी प्रत्याशी पिंकी कुमारी का नामांकन रद्द, गलत जाति प्रमाण पत्र जमा करने पर कार्रवाई। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, राजौरी गार्डन में बीजेपी अकाली के संयुक्त प्रत्याशी के समर्थन में परेश रावल ने किया रोड शो। एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। दिल्ली में एमसीडी टिकट न मिलने से नाराज शख्स ने मोती नगर के पार्षद पर किया जानलेवा हमला, मौके से हुआ फरार।